अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटो कैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 31 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप पाथ एरे कमांड कैसे यूज़ करते हैं और पाथ एरे कमांड का फंक्शन क्या होता है, आप कैसे किस तरह से यूज़ करते हैं, उसका सही मकसद क्या है पाथ एरे का। तो हमने इससे पहले जो एरे में हमने पोलर एरे किया था और रेक्टेंगुलर एरे किया था, तो रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है कि आपकी रेक्टेंगुलर शेप में या फिर स्क्वायर शेप में काम करते हैं, जबकि जो पोलर एरे होता है वो आपकी सर्कल राउंड शेप में काम करता है, जबकि पाथ एरे आप कोई भी पाथ दे दें, कोई भी उसे एक पॉइंट दे दें, एक उसे जो है तो एरिया कोई दे दें, तो आप चाहें कि उसके ऊपर ये काम करें तो आपका जो पाथ एरे कमांड है वहाँ पे काम करेगी, उस जगह पे आपका आपने जो जो काम करना है आप वहाँ पे वो काम करेगी। तो ये होता है जी पाथ एरे का फंक्शन। ओके, तो पाथ एरे कैसे यूज़ होती है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इसका भी तरीकाकार वही है, मैं एक कर्व लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कर्व के लिए मैं आर्क लेता हूँ, एक एंटर करता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक एक आर्क लेता हूँ, उसके अलावा एक पॉलीलाइन लेता हूँ, पॉलीलाइन ले ली मैंने, और इसके अलावा मैं जेड स्पेस ए स्पेस, इसके अलावा मैं एक और काम करता हूँ यहाँ पे जी, एक पॉलीलाइन लेता हूँ और उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इन तीनों में सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर, आप देखते हैं इस पे काम किस किस में ये करेगा काम। ये क्लोज पाथ है, ये कर्व पोजीशन, एक आर्क बना हुआ है और एक इस तरह की पोजीशन बनी हुई है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मैं यहाँ से एक यहाँ पे स्पेल लाइन भी ले लेता हूँ, इसमें भी सर्कल ड्रॉ करता हूँ, इन तीनों में देखते हैं काम करेगा कि नहीं। तो आप यहाँ से पाथ एरे, पाथ एरे का यहाँ से देखें तो यहाँ पे आपको पाथ एरे नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें तब ये आप सिलेक्ट एरिया देखें, तो आप यहाँ से काम कर सकते हैं, या उसके अलावा एरे ए आर एंटर करें और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस प्रेस करें, कह रहे कौन सा एरे आप ले रहे हैं, पाथ एरे लेना चाह रहे हैं, यस पाथ एरे लेना चाह रहा हूँ, और आप यहाँ से इसको क्लिक करें तो देखें पाथ एरे यहाँ पे आ गया। अब इसमें भी वही काम है, आप आइटम बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, इनके बीच में स्पेस बढ़ाना चाहें, इनकी रो बढ़ाना चाहें, लेवल, ये सारी चीज़ हम कर चुके हैं। अच्छा, फिर इसके बाद दोबारा से मैं एरे देता हूँ, देखता हूँ इस पर भी अप्लाई करेगा कि नहीं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट स्पेस पाथ एरे, कह रहा सिलेक्ट पाथ, ओके यहाँ पे भी अप्लाई हो रहे हैं, नेक्स्ट करते हैं हम जी एग्जिट, और अब दोबारा मैं एरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस पाथ एरे, पाथ एरे, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, अब देखते हैं यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि नहीं। तो इसके लिए फिर एरे सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं स्पेस पाथ एरे, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे भी हो रहा है। तो मीन ये हर जगह पे आप जहाँ चाहें आप वहाँ पे ये काम कर सकते हैं, ऐसे आप एरे दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है यही चीज़ हो, आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें, ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद आप उसको एरे दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप एक सर्कल या इन चीज़ों पे आप काम करें, नहीं आप कोई पूरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें, ड्रॉ करने के बाद आप इस पर काम कर सकते हैं, और यही एरे आप 3D में भी काम कर सकते हैं, 3D में भी आप यूज़ कर सकते हैं इस एरे कमांड को। तो 3D के लिए आप एरे कमांड कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए आप मेरे जो मैकेनिकल हैं ट्यूटोरियल उनको आप देखें, अब वो कंप्लीट डिटेल से मैं आपको एरे का फंक्शन वहाँ पर मैंने समझाया हुआ है, आप वहाँ से एरे कमांड देख सकते हैं मैकेनिकल में। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, आपको एरे की समझ आ गई होगी, एरे कमांड आप कैसे अप्लाई करते हैं। तो आज के लेसन में हमने तकरीबन एरे जो है तो रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे तीनों पे काम कर लिया। रेक्टेंगुलर एरे रेक्टेंगुलर शेप के लिए यूज़ होते हैं, अब यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे वीडियो बता रहे हैं वीडियो में। पाथ एरे जो होता है, पाथ एरे किस लिए होता है, वो एक स्पेसिफिक एक पाथ, आप उस पाथ पे काम करना चाहें तो आप वहाँ से पाथ पे काम कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके अलावा पोलर जो एरे है वो आपका एक सर्कल शेप में आप अप्लाई कर सकते हैं कोई भी चीज़ है। अब यहाँ पे देखें एक राउंड टेबल है और उसके साथ चेयर लगा रहा है, तो चेयर लगा सकते हैं आप, देखें चेयर बनी हुई है, लगाना चाहिए आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं।
तो ये टेक्निक्स होती हैं कुछ आप जहाँ कहीं यूज़ करें, तो ये पोलर एरे भी आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। पाथ एरे भी आप, अगर फॉर एग्जांपल एक शेप है आप उसके चारों तरफ से आप देना चाहें पाथ तो आप दे सकते हैं, और रेक्टेंगुलर एरे का भी यही फंक्शन इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ओके इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे कुछ नए टूल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।